ठीक है करो। हाँ तो बच्चों देखो, आज इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर लैब जो है उसमें आज अपन प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, सातवां प्रैक्टिकल। वो क्या है? चेक द फंक्शनिंग ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, एक अपने पास सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होगा, उसकी फंक्शनिंग चेक करनी है। फंक्शनिंग मतलब क्या कि भाई जब इसको अपन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एजे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, तब इसकी प्राइमरी में जो वोल्टेज आ रहा है और सेकेंडरी में वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी में देखो यहाँ पे एक ये ट्रांसफार्मर है, उसकी प्राइमरी रेटिंग है इधर 230 वोल्ट और इधर रेटिंग है 115 वोल्ट। ठीक है, तो जब इसको 230 सप्लाई दे रहे हैं, तब 115 वोल्ट यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ठीक है, या फिर इसको प्राइमरी इसको सेकेंडरी बनाएंगे, तब यहाँ 115 वोल्ट अप्लाई करेंगे, यहाँ 230 वोल्ट अप्लाई करेंगे, तो कहीं यहाँ 100 नहीं अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ 115 वोल्ट अप्लाई करेंगे, तब 230 वोल्ट यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एज ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या करेंगे अपन, ट्रांसफार्मर के ऊपर बारी बारी से ये बल्ब जो है अपने पास एज ए लोड की तरह वर्क करेंगे। बल्ब पड़े मेरे 60-60 वाट के तीन बल्ब है। ठीक है, जब एक बल्ब को मैं इसके ऊपर लोड करूँगा तो 60 वाट का लोड जाएगा, जब इन दोनों को मैं पैरेलल लगा के फिर इसके ऊपर लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा 120 वाट, जब तीनों को पैरेलल लगा के इसमें कनेक्ट कर दूंगा तो इसका लोड कितना हो जाएगा 180 वाट। ठीक है, तो धीरे धीरे पहले 1 फिर 2 फिर 3 ये तीन बल्ब जो है इसके ऊपर बारी बारी से कनेक्ट करके पहले अपन ओपन सर्किट में देखेंगे, ये जो भी रीडिंग आएगी सब ओपन सर्किट में आएगी पहले तो फर्स्ट। ठीक है, फिर सेकेंड में बारी बारी से अपन लोड लगाएंगे, तब लोड लगाने पर क्या होगा, ये वोल्टेज तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, मतलब मिनिमाइज एकदम थोड़ा हल्का सा चेंज आएगा इसमें वोल्टेज, एक अपन मांगेंगे कि वोल्टेज एक फिक्स रहता है इनका। ठीक है ना, 230 और 115 वोल्ट, लेकिन जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे करंट जो है इसमें वेरी करेगी, सेकेंडरी साइड करंट वेरी करेगी तो वैसे वैसे प्राइमरी साइड वेरी करेगी, क्योंकि जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे सेकेंडरी करंट जो है वो बढ़ेगी, जैसे जैसे सेकेंडरी करंट बढ़ेगी वैसे वैसे प्राइमरी करंट बढ़ेगी। ठीक है, तो इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए अपने पास क्या क्या चाहिए, सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर को सप्लाई देने के लिए, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक बार अपन 230 देंगे, एक बार 115 देंगे, तो इस वोल्टेज को जो है अप्लाई करने के लिए अपन ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे फर्स्ट। ये एक तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर चाहिए। अब सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में मुझे वोल्टेज और करंट मेजर करना है, तो इसलिए एक वोल्ट मीटर और एक मीटर चाहिए। ठीक है, उसके बाद में सेकेंडरी में भी मुझे वोल्टेज और करंट मेजर करना है, तो एक वोल्टेज चाहिए, एक करंट चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए और एक मीटर चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है कि वोल्टेज हमेशा किस में पैरेलल में कनेक्ट होगा, एमीटर सीरीज में। ठीक है, तो मैं अब इसके कनेक्शंस करूंगा, आप देखना। देखो ये ऑटो ट्रांसफार्मर जो है ये सप्लाई से कनेक्ट है, यहाँ पे ये सप्लाई से कनेक्ट है। ठीक है, अभी इसका स्विच सब ऑन ऑफ रखेंगे। ठीक है, अब ऑटो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट आ रहा है, ठीक है, ये आउटपुट, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, ट्रांसफार्मर के इनपुट में जाएगा, क्योंकि हमें करंट मेजर करना है, तो इसीलिए एक सीरीज में इसके बीच क्या करेंगे अपन, अमीटर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अमीटर कनेक्ट कर दिया और फिर ये वापस जो है कनेक्ट होके इसके इनपुट में चली जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट कनेक्शन हो गया, फर्स्ट अमीटर कनेक्ट हो गया, ट्रांसफार्मर भी कनेक्ट हो गया। अब मुझे इस ट्रांसफार्मर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज जा रहा है वो वोल्टेज मुझे मेजर करनी है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाऊंगा, और वोल्ट मीटर क्या करेगा, इसके पैरेलल में लगेगा। तो देखो इसके पैरेलल में कैसे लगेगा, ये वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर मैंने कनेक्ट कर दिया। अब प्राइमरी साइड वाला काम हो गया कंप्लीट, अब चलते हैं अपन सेकेंडरी साइड पर। ठीक है, अब सेकेंडरी साइड में भी मुझे पहले क्या मेजर करना है, वोल्टेज। ठीक है, तो ये इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वोल्ट मीटर का यूज करूँगा, ये सेकेंडरी साइड में मैंने कनेक्ट कर दिया एक वोल्ट मीटर। ठीक है, अब इसके सीरीज में एक मुझे कनेक्ट करना है अमीटर, क्योंकि मुझे करंट मेजर करना है, तो इसके सीरीज में आएगा अमीटर। ठीक है, और अमीटर का सेकेंड टर्मिनल जो है
वो कहाँ से आएगा, लोड से, ठीक है। तो ये मैंने अभी फिलहाल कलेक्ट कर दिया एक लोड, ठीक है। और यहाँ देखो, इधर से गया, पहले गया अमीटर में, अमीटर का सेकंड टर्मिनल गया लोड में, और लोड का सेकंड टर्मिनल अपने पास आ गया कहाँ पे, देखो ये किसे करना था, इधर इधर सेकंड टर्मिनल पे ट्रांसफार्मर पे, ठीक है। अभी मैंने क्या कर दिया, लोड को भी साथ में कनेक्ट कर दिया, लेकिन फर्स्ट मेरा प्रैक्टिकल क्या है, देखो कनेक्शन सारे हो गए, वोल्टमीटर भी कनेक्ट हो गया, ये भी कनेक्ट हो गया, लोड भी कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो सेकेंडरी साइड का भी कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड साइड में क्या है कि लोड इसके साथ में आ रहा है, लेकिन मुझे पहले ओपन सर्किट में देखना है, तो इसलिए क्या करता हूँ मैं, ये एक टर्मिनल जो है ओपन कर देता हूँ यहाँ का। तो ये हो गया सेकेंड साइड में ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। इसका सर्किट डायग्राम देख लो इस तरीके से। अभी अपन क्या कर रहे हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर को ये स्टेप डाउन की तरह यूज करेंगे, ठीक है, और उसकी फंक्शनिंग अभी देखेंगे। तो जब स्टेप डाउन की तरह है तब इसका कनेक्शन देख लो, सबसे पहले ऑटो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और ये अपना आ गया ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। इसकी प्राइमरी साइड के पैरेलल में पहले वोल्टेज कनेक्ट है और सीरीज में एक अमीटर कनेक्ट है, ठीक है। और सेकेंडरी साइड आएंगे तो सीरीज में अमीटर कनेक्ट है विथ लोड से होते हुए, और इसके अक्रॉस जो है वोल्टमीटर कनेक्ट है। तो ये प्राइमरी वोल्टेज बताएगा, ये सेकेंडरी वोल्टेज बताएगा, ये प्राइमरी करंट बताएगा, ये सेकेंडरी करंट बताएगा। और अभी फिलहाल मैंने लोड का जो टर्मिनल जो है वो यहाँ से कनेक्ट नहीं कर रखा है, तो वो ओपन कर दिया है। तो ये एक बार ये इसका डायग्राम देख लो, ठीक है, ओके। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और अपन को रीडिंग क्या क्या लेनी है वो देख लो। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फर्स्ट नो लोड पे लेंगे, तो नो लोड पे जो है प्राइमरी साइड का वोल्टेज, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज, प्राइमरी की करंट, सेकेंडरी की करंट, ये देख लेंगे। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन टर्न्स रेशियो, ट्रांसफार्मर रेशियो जो है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड क्या करूँगा, मैं एक बल्ब कनेक्ट करूँगा, इसका मतलब 60 वाट का लोड कनेक्ट होगा, ठीक है। फिर उस 60 वाट पे मैं V1, V2, I1, I2 यानी प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज, प्राइमरी करंट, सेकेंडरी वोल्टेज, इनको कैलकुलेट करूँगा। अब इसके अकॉर्डिंग जो है अपन वो ट्रांसफार्मर रेशियो वगैरह जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे कैसे मैं लोड बढ़ाऊंगा, फिर 120 कर दूंगा, 120 कैसे करूंगा, दोनों बल्ब को जो है पैरेलली कनेक्ट करूंगा, सीरीज में नहीं, पैरेलली, ठीक है। और फिर 3 वोल्ट बल्ब को कनेक्ट करूंगा तो वो अपने पास 180 वाट का आ जाएगा लोड। तो सबसे पहले अपन जो है इंडेक्स जो है वो ऐसे बनाएंगे, पहले नो लोड, फिर 60 वाट लोड, फिर 120 वाट लोड, फिर 180 वाट लोड, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अपन ये रीडिंग सारी नोट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो अभी मैं कर रहा हूँ स्विच ऑन, ये हो गया, सबसे पहले मीटर वाले स्विच ऑन हो गए, ठीक है, अपने पास मीटर आ गए। और ट्रांसफार्मर जो है इसको सबसे पहले मैं कर लेता हूँ 0 वोल्ट पे, ऑटो ट्रांसफार्मर जो है इसकी रेटिंग मैंने 0 कर दी है, ठीक है। अभी इसकी सप्लाई देता हूँ मैं, स्विच ऑन कर दिया मैंने, देखो यहाँ 0 पे आसपास है, यानी कि यहाँ पे कितना वोल्ट बता रहा है, 1 वोल्ट बता रहा है ना। लेकिन अपन यहाँ पे कितनी वोल्टेज रेटिंग है देखो, 230, यानी कि प्राइमरी में 230 वोल्ट देंगे तो सेकेंडरी में क्या आना चाहिए, 115 वोल्ट आना चाहिए, कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इसकी रेटिंग क्या है, प्राइमरी साइड 230, सेकेंडरी साइड 115 वोल्ट, ठीक है। तो देखो अभी मैं इसको करूँगा 230 वोल्ट पे, ये देखो जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे वोल्टेज बढ़ रहा है। तो ये हो गया मेरे पास 220, और ये हो गया 230 हो गया है ना, देखो 230 वोल्ट है, नज़दीक लेके आओ, दिख रहा है ये 230 वोल्ट है। देखो जब 230 प्राइमरी पे दिया तो देखो सेकेंडरी साइड कितना मिल रहा है अपन को, 115 वोल्ट मिल रहा है ना, ये 0.2 आ रहा है लेकिन अपन 115 वोल्ट मानेंगे इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ प्राइमरी करंट तो 0 नहीं है, देखो 0.145 एम्पियर है, क्योंकि प्राइमरी में तो करंट फ्लो हो रही है, लेकिन सेकेंडरी साइड में अपन लोड नहीं कनेक्ट कर रखा है, तो इसलिए सेकेंडरी साइड ओपन सर्किट होने के कारण सेकेंडरी साइड में कोई करंट नहीं है। देखो करंट नहीं है क्या, नहीं है, है ना, ठीक है। तो ये अपना सर्किट हो गया, ठीक है। प्राइमरी साइड करंट क्यों फ्लो हो रही है, क्योंकि वो जो भी ट्रांसफार्मर की
कोर सप्लाई है, यानी कोर लॉसेज बोलते हैं। हाँ ठीक है, तो देखो अभी मैं क्या करूँगा, लोड कनेक्ट करूँगा, एक बल्ब कनेक्ट करूँगा। ठीक है, तो ये देखो ये मैंने 60 वाट का एक बल्ब कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही बल्ब कनेक्ट किया, यहाँ पे देखो वोल्टेज में कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे 230 आ रहा है, यहाँ 115 आ रहा है, लेकिन करंट जो है सेकेंडरी साइड की वो 0.19 एम्पियर हो गई है। तो इसको अपन नोट कर लेंगे। सबसे पहले नो लोड पे कितना था, V1 था 230, V2 था 115, I1 कितनी थी, I1 अभी ये देख लेते हैं, I1 है 0.145 और I2 0 थी। ठीक है, जब अपन ने लोड कनेक्ट कर दिया तब देखो वोल्टेज की रेटिंग वही है, प्राइमरी करंट कितनी होगी 0.219। ठीक है, और सेकेंडरी करंट कितनी है 0.19। ठीक है, अब देखो मैं एक बल्ब को और कनेक्ट करता हूँ इसके अक्रॉस, ये दो बल्ब मैंने कनेक्ट कर दिए। ठीक है, ये हो गए। तो देखो वोल्टेज वही का वही है, हल्का सा 229 वोल्ट हुआ है, तो अपन इसको भी नोट कर लेते हैं। देखो 229 वोल्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ कितना हो गया 114.7 वोल्ट हो गया। अब प्राइमरी करंट कितनी आ गई 0.307, सेकेंडरी कितनी है 0.38। ठीक है, अब थर्ड बल्ब भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इसके अक्रॉस, देख जैसे इसको कनेक्ट किया यहाँ का वोल्टेज वही है 229 वोल्ट और 114.5 वोल्ट हो गया, और अपने यहाँ पे करंट कितनी आ गई 0.395। ठीक है, और सेकेंडरी साइड करंट कितनी है 0.57। ठीक है, ये तीनों रीडिंग हो गई। ओके, ये इसको भी मैं कर देता हूँ ऑफ। ठीक है, ये अपना हो गया फर्स्ट प्रैक्टिकल, इसी मैं फर्स्ट प्रैक्टिकल का फर्स्ट भाग हो गया। क्या हुआ, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह जब अपने यूज किया वैसे काम हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको एज ए स्टेप अप में यूज करूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसके टर्मिनल ओनली चेंज करूँगा। देखो इसके ओनली टर्मिनल चेंज करूँगा, ये वाले पार्ट चले गए यहाँ पे और ये वाले चले गए यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अब ये प्राइमरी बन गया अपना और ये बन गया सेकेंडरी। अब प्राइमरी में कितना आ जाएगा 115 वोल्ट और सेकेंडरी में कितना मिलेगा 230 वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन गया अब। ठीक है, बाकी कनेक्शन कोई मैंने चेंज किया नहीं किया, ये जो तो ये देखो सर्किट डायग्राम, जैसा ये सर्किट डायग्राम पहले का वैसा ही है, बस ये ट्रांसफार्मर जो पहले ऐसे था इसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। जो प्राइमरी है इसकी सेकेंड वाले में सेकेंडरी बन जाएगी, इसकी सेकेंडरी प्राइमरी बन जाएगी। ठीक है, और रीडिंग जो है वो भी अपन वैसे ही लेंगे। अब जो जो प्राइमरी साइड वाला है, जो 115 वाला है, वो अपने पास V1 बन जाएगा, इधर वाला बन जाएगा V2, और इधर वाली करंट जो है वो जाएगी प्राइमरी, और इधर वाली करंट जो प्राइमरी बन जाएगी इस वाली, और इधर वाली जो बन जाएगी अपनी सेकेंडरी करंट। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल वैसे के वैसे परफॉर्म करना है, बारी बारी से लोड डालेंगे, एक एक बल्ब ऐड करेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपन प्राइमरी और सेकेंडरी का वोल्टेज और करंट में इसमें नोट करेंगे। ठीक है, तो देखो अभी मैं पहले इन बल्ब को हटा देता हूँ। ठीक है, अभी इनको हटा दिया मैंने। और अभी एक ये लीड निकाल देता हूँ, तो अभी ये बन गया ओपन सर्किट, ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, अब मैं इसकी सप्लाई देता हूँ, सप्लाई को पहले जीरो कर देते हैं। ठीक है, अब देखो अभी मेरे पास वोल्टेज कितना, इधर कितना देना है 115 वोल्ट देना है। ठीक है, ये हो गया 110,
देखो अब प्राइमरी साइड में मैंने कितना दे दिया, 115 वोल्ट बता रहा है, आ रहा है ठीक है, और प्राइमरी में करंट इतनी है, सेकेंडरी में वोल्टेज आ रहा है देखो 233 आ रहा है, आ गया मतलब 230 के आसपास आ रहा है ठीक है। तो देखो अपन ये अभी नोट कर लेंगे, ये किस कंडीशन में, नो लोड की कंडीशन में, तब अपने पास करंट सेकेंडरी में कितनी हो जाएगी, जीरो ठीक है। तो अपने पास जब नो लोड है तब V1 कितना है 115 वोल्ट, V2 कितना आया 233.5 वोल्ट, I1 कितनी आई मेरे पास 0.296 और I2 है मेरे पास जीरो ठीक है। अब मैं करता हूँ लोड कनेक्ट, ये फर्स्ट कनेक्ट कर दिया, तो देखो जैसे ही कनेक्ट किया अब देखो अब मेरे पास 230 आ रहा है लगभग, है ना। तो वोल्टेज 115 है प्राइमरी साइड, 231 वोल्ट है सेकेंडरी साइड, प्राइमरी करंट मेरे पास कितनी हो गई 0.779 एम्पियर, सेकेंडरी साइड करंट कितनी हो गई 0.28 एम्पियर ठीक है। अब सेकेंड लोड में कनेक्ट करता हूँ, ये दो लोड कनेक्ट कर दिए ठीक है। तो अब देखो अब मेरे पास वोल्टेज कितना हो गया 114 वोल्ट, सेकेंडरी साइड हो जाएगा 228 वोल्ट, प्राइमरी साइड करंट कितनी हो गई 1.32 और इसमें करंट कितनी हो गई 0.56 ठीक है। अब मैं एक और लोड कनेक्ट कर देता हूँ। अब देखो पहले ये डीम कर रहे थे क्योंकि इनको वोल्टेज जो है वो 115 वोल्ट मिल रहा है, अब इनको रेटेड वोल्टेज मिल रहा है तो ये ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं ना। देखो अब इसमें अपने पास वोल्टेज कितना है 113 वोल्ट, इसमें आ गया 226.8 वोल्ट, प्राइमरी करंट आ गई अपने पास 1.850 और सेकेंडरी करंट कितनी आ गई 0.82 वोल्ट एम्पियर ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गई, जब इसको एज है स्टेप अप की तरह यूज कर रहे हैं तब इसकी रीडिंग आ गई ठीक है। अब जो अपन ने रीडिंग ली है इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर रेशियो, टर्न्स रेशियो वगैरह अपन कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है। वैसे अगर आप देखना चाहो तो जितनी यहाँ रीडिंग आ रही है उसकी डबल यहाँ आ रही है वो अपन देखने से पता चल रहा है, भले कैलकुलेट करोगे तो भी कुछ नहीं। देखो 113 है, 113 की डबल 226 आ रही है, आ रही है तो सारी जाहिर सी बात है इसकी प्राइम में जितना वोल्टेज दोगे उसका दुगना जो है सेकेंडरी में आएगा, क्योंकि इसका टर्न्स रेशियो ऐसे ही है 115 रेटेड है, यहाँ से 230 मिलेगा ठीक है, तो जितना दोगे उतना डबल ही मिलेगा। तो वैसे कैसे अपने स्टेप डाउन में जब किया था तो जितना दोगे उसका हाफ उधर मिलेगा, और जैसे जैसे लोड मिलाओगे वैसे वैसे अपने पास करंट आ जाएगी ठीक है। ओके तो ये अपना प्रैक्टिकल हो जाता है कंप्लीट। अब इसको बंद कर देते हैं। ये रीडिंग है